एजुकेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने का आदेश दिया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SAH रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मामले पर विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की। निठारी कांड में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली और एक अन्य अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंडेर को एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुरेंद्र कोहली के साथ कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोहली पर आरोप है कि वो पंडेर कोठी का केयर टेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी कहो कि दर्जनों लड़कियां गायब हो गई, वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। इसके बाद लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। बता दें कि 29 दिसंबर 2006 को गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए थे। इस मामले में कोहली और पंडेर को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।